नमस्कार आदाब, साइन न्यूज 24 से मैं जुड़े जनता। जी आपके सामने आने का खास मकसद दिया गया, सोलापुर में फिर इंसानियत हुई शर्मसार। एक भाई ने एक भाई का मर्डर कर दिया, प्रॉपर्टी के लिए एक भाई ने अपने भाई का मर्डर कर दिया है। दिन दिवाले सुबह 10 बजे घर में घुसकर उसका मर्डर कर दिया। आइए उनकी फैमिली और उनकी फैमिली से बातचीत करते क्या मामला था, जबकि एक भाई ने एक भाई का मर्डर कर दिया आज। आपका नाम? सुनीता, महेश कुमार बोलते हैं। जी क्या हो गया उनका, कैसे क्या हो गया सर? जागा साठी जरा प्रॉब्लेम आहे, ते पहिला आमचं असंच नाव होतं, ते भीमराव कुंभार ना आम्हाला सांगतात त्याची नावाने करून घेतलंय। मग ते आमचं आम्ही काय केलं, पोलीस अटक करून आमचं केस चालू कोर्टामध्ये। मग तुम्ही आमचं तुमचं असं लई चालत तुमच्या आमच्या भांडण। नाव काय? महेश कुंभार। मटर झालं होतं कसं, घरात आले होते, बाहेर होते, काय झालं? तुम्ही घरातच होते, तुम्ही दुकानात होते, बाहेर आले, फोन मध्ये बोलत। मग तुम्ही राखेला घालून पेट्रोल घालून सळीने मारलं। अजून कोण होते घरात? कोण होते घरात? आमचे दोन लेकर लहान आहेत, गोळा मन मला बाहेर। तुम्ही काय बचाने की आपली कोशिश नाही करी? आपले मोहल्लेवाले सगळ्यांना बघितले, फक्त कोण पण त्याला मदत केली। तो बडे भाई का नाम क्या है आपके? जो मारा उसका नाम क्या है? भीमराव कुंभार। भीमराव कुंभार ने आपके हस्बैंड का मर्डर किया। उसके साथ और कौन लोग थे? संजू बंसोड़े। वो उनका क्या ताल्लुक है आपके हस्बैंड से? कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा आप कौन है, आपके यहाँ खून क्यों लगे हुआ है? हमारा भौजी है सर, हम उचल गेल मर्डर कौन भैत लो नहीं मैं काम और होते सर। आप जो मौके आधार पर जब पहुंचे तो आपके जीजा जी हो, तो कोसी कंडीशन में क्या हालत में थे वो? पड़े थे सर, मार्ग सब पूरा शीर खून आ रहा था, पड़े थे सर। तो कहाँ मार लगा? तो कहाँ कहाँ मार लगा? शीर को लगा, यहाँ लगा सर, छाती पर लगा। तो राखेल बोले मैं यहाँ भागते भागते है, तो यहाँ सब पड़े थे। आपके बच्चे कितने हैं? तीन। बच्चों के सामने हुआ सब भी मामला? बच्चे अंदर थे। आपकी हाथी कौन सी हथियार थी आपकी? जल्द अपने पुलिस प्रशासन की कौन सी हथियार थी? हथियार एमआरडीसी की। पुलिस प्रशासन से मैं 724 माध्यम से मैं विनती करता हूं कि लास्ट टाइम एक ऐसा वाक्य होता है कि सोलापुर में एक लड़की का अपहरण होकर उसका मर्डर हुआ था, सुनीता कोसेकर का। तो एमआरडीसी के साहब ने कहा था कि आप लड़कियों के मर्डर में आप क्यों आवाज उठा दिया हो? किसी आदमी पावर साहब थे, हाँ पावर साहब ने कहा कि किसी लड़की के मर्डर में आप आवाज क्यों उठाती हो, किसी मर्द आदमी की भी उसके मर्डर पे इंसाफ उठाओ। तो आज वो मामला आ गया है, तो अब क्या इंसाफ चाहते हैं आप? आपके हस्बैंड का तो डेड हो गया अभी, मेरे को जागा है ना, वो मेरे नाम पर कर दीजिए, और मेरे तीन बच्चे हमको हमको कौन देखने वाले हैं? जो जगह के ताल्लुक से इनका जो झगड़ा चल रहा था आपस में दो भाइयों में, इनके हस्बैंड का तो मर्डर कर दिया गया है। अब इसके बावजूद वही घर है जो इनके आगे फ्यूचर इनके बच्चों के लिए जो जरूरी है। तुम्हारा धोखा है? डिपार्टमेंट से आपको मानने का है काय करू तिने? तिला तिच्या बायकोला पण आता घाल, तिच्या लेकरांना पण तिच्या बायकोला पण, आणि ते माझा जागा ना, ते जागा माझ्या नावाने करून द्या। माझ्या उसके आगे फ्यूचर क्या है? बगैर आदमी की जिंदगी तो गुजार नहीं सकते। तीन बच्चे, तीन बच्चे हैं उनके, तीन बच्चे, कितने लड़कियां हैं? तीन, दो लड़की है, एक लड़का, छोटे छोटे हैं मेरे घर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो इनके फ्यूचर से सबसे पहला तो इनका कहना ये है कि बच्चों का फ्यूचर के उस घर से ही हो, और उसके जो कातिल को हत्यारे को फांसी की सजा हो, आप ये चाहते हैं? सर हाँ बोलिए। हमारे बहुजी अभी तो हमारे बाहर बाहर नहीं थी, तो ब्लाक को देते थे, घर में करते थे। अभी बाहर के पीछे कोई नहीं, बहुजी तो मर गया मालूम है, इसके पीछे अभी ना है उसको होना पूरा। हाँ कोई मारे ना उसको, सजा होना देखो, फांसी होना, दोनों फांसी होना देखो। नहीं दोनों को फांसी, चलो आपके हम आपको हमदर्दी करते हैं, जिसने मारा फांसी सजा उसी की होगी, वाइफ को थोड़ी ना होगी। दोनों जने मिलकर मारे। भीमराव जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट को ये चाहिए कि किसने मारा, हमें प्रूफ चाहिए, सबूत चाहिए। यहाँ पर जो मौजूद थे मौके पर, नाम बताइए, पहला बंदा कौन था?
संजय संजय बनसोड़े पहला बंदा जो संजय बनसोड़े संजय भीमराव कुंभार भीमराव कुंभार और संजय बनसोड़े ये दोनों ने मिलकर इनके महेश कुंभार का मर्डर किया है, जगह पे खलास किया, घर में घुस के खलास किया है, तो इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की है। एमएचसी पुलिस को वापस से रिक्वेस्ट करता हूँ, उनसे विनती करता हूँ कि इन्हें इंसाफ जरूर दिलाए। इंसाफ हमारे नए जिंदगी के हमारे कार्यकर्ता भी आप आइए सामने आइए सर, जैसे कि आपके एक्टिविटियाँ नई जिंदगी में अक्सर देखते हैं, आप कुछ ना कुछ सोशल वर्क में आप एक्टिव दिखते हैं, तो ये मामले में आप क्या कहेंगे? तो किसी का मर्डर हो रहा है उसकी इंसाफ के लिए आप क्या करेंगे? नहीं, इनको तो इंसाफ मिलना चाहिए, इनके तो छोटे छोटे बच्चे हैं, हाँ इंसाफ तो मिलना चाहिए। और सब में बड़ी बात ये महेश कुंभार जो है, हाँ हमारे जो कामगार संगठन है वो संगठन का बहुत बड़ा धड़ाड़े का कार्यकर्ता था जी, तो मैं जब मेरे को खबर पड़ी तो उस वक्त मेरे को बहुत बड़ा अफसोस हो गया कि हमारे यहाँ से एक अच्छा कार्यकर्ता हमारे बाजू से निकल गया। वजह उनका कुछ भाई भाई का जो तकरार है वो आपस में आपस राजी करके कुछ तो मिटाना चाहिए था, मेरे इतने जज्बात में कि अच्छा अच्छे कार्यकर्ता को हमारे यानी उनके भाई हमारा कार्यकर्ता अच्छा हमारे से दूर गए, इस बात का मुझे दुख है मेरे को। और सब में बड़ी बात ये उनकी जो बीवी है उनके बच्चे है उनको इंसाफ मिलना चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए। मैं चाहता हूँ मैं और कहना चाहता हूँ वहाँ के नगर सेवक कौन है? वहाँ के नगर सेवक बाबा मिस्त्री, बाबा मिस्त्री साहब से। और नवीन जी की जितने सोशल एक्टिव जो लोग हैं जो जो चादर वाटअप करते हैं बर्थडे पे, शाल वाटअप करते हैं, खाना वाटअप करते हैं, ये सोशल एक्टिविटी अलग चीज हो गई है, मगर अब आपके मोहल्ले में एक बंदे का मर्डर हुआ है, एक औरत को इंसाफ चाहिए। मैं चाहता हूँ कि वहाँ के जितने दिग्गज लोग हैं इस मामले में बाहर आए और काफी आके सुबह में आके देख के करके अभी भी आके मिल के गए वो, नहीं ऐसा नहीं है तो उनको कोऑपरेटिव इनको सब बता के गए हैं वो। जैसे लोगों का मानना है कि मैं दो तीन कंटिन्यू में केसों में हूँ, मैं केस होता है कार्रवाई होती है फिर उसे दबा जाता है, चार्जशीट दबी जाती है, फिर उनको एक साल के बाद उनको बेल मिल जाती है। ये मामले अक्सर बहुत हो रहे हैं, नहीं होना चाहिए, अक्सर बहुत हो रहे हैं, ये मामला नहीं होना चाहिए। इस ये औरत को न्याय मिलना चाहिए, मेरा इतना ही कहना है, बस डिपार्टमेंट से भी कहना है, पुलिस डिपार्टमेंट से जो मारे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सजा होना चाहिए। संजय बनसोड़े का संबंध ही नहीं, भाई भाई का मसला है, वो आपस में लड़ेंगे मिलेंगे, ये तो जो कुदरती इंतजाम है भाई लड़ते हैं और मिलते हैं, मगर संजय बनसोड़े का क्या मकसद था कि वो घर पे आके मारे? कि संजय बनसोड़े ने उसे उस्ताया मारने के लिए फोन करके बुलाया, उनको बार को मारे। मैं आपको हर तीन से चार दिन में आपके पास आऊंगा सर, आपके पास आऊंगा, मैं इसका अपडेट लूंगा, इसकी कार्रवाई कहाँ तक पहुंची, इनके ऊपर केस क्या हुआ और क्या कलम लगाया और क्या चीज चार्जशीट हो रही है। 7 24 से मैं जुड़े चल रहा हूँ।